this is for the people who say ki that is your nature, we cannot help it out, you should know how to say no. तो भैया अगर नहीं आता है नो बोलना तो आप सीधे इंसान का फायदा मत उठाओ, क्योंकि ना जो भी आप करते हो दूसरों के साथ में वो रिवर्स होके 1000 टाइम्स आपको ही वापस आता है, कोई ना कोई फॉर्म में भगवान देता ही है. तो किसी का भी फायदा उठाना इज रियली वेरी रॉन्ग. मतलब अगर कोई आपको मना नहीं कर पा रहा है कोई चीज़ के लिए एंड द पर्सन इज गोइंग ऑन डूइंग दैट मेहनत इन द हाउस एंड एवरीथिंग, तो स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स विद दैट पर्सन. सीधापन का फ़ायदा उठाने से ना आपको यही मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा. भगवान सब देखता है सबका. अगर आप किसी को दुख पहुँचाते हो तो आपको डबल ट्रिपल मात्रा में दुख यही मिलेगा. और वही इफ़ यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू आर काइंड टू अदर्स एंड यू आर गुड टू एवरी वन अराउंड यू, तो ऑटोमेटिकली भगवान आपके साथ में अच्छा रहेंगे और आपके साथ में अच्छा करेंगे, यहाँ पे ही मिलेगा उसका भी फल. तो ये बोलना भी बहुत गलत है कि दैट इज़ योर फॉल्ट दैट यू कुड नॉट से अ नो टू अस और वट एवर, बिकॉज ये भी बहुत लड़कियों के साथ होता है जिनके संस्कार ही अगर ऐसे है कि उनको यही बचपन से सिखाया गया है कि मना मत करो बड़ों को, नहीं मत बोलो, करते जाओ जो भी करना है और मेहनत करो घर में और सबका करो, तो वो करती है लड़की क्योंकि वो सीधी होती है, राइट. तो अगर सीधेपन का भी फ़ायदा उठाओगे ना तो इतनी बददुआएं मिलेगी कि आई कैनॉट यूज़ दोज वर्ड्स ऑल्सो, बट यू विल रीपे ओवर योर ओनली फॉर एवरीथिंग वॉट यू डू टू अदर्स. तो हर इंसान के साथ अच्छा रहो, काइंडनेस दिखाओ, बी गुड टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि लोग डॉग्स को लिटरली वो भौंकता है तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि वाई द डॉग इज़ बार्किंग ऑन यू, वो लात मारते हैं. मतलब इवन टू द पेट्स अदर फैमिली मेम्बर्स दे किक द डॉग. आई मीन आई हैव सीन दैट पर्सनली एंड इट इज़ रियली वेरी बैड. यू विल गेट ओवर हियर ओनली फॉर दैट टू. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक की इज्जत करनी चाहिए तो आपको अपने आप इज्जत मिलेगी. आप अपने हाथों से इज्जत खोते हो और बाद में लोगों को ब्लेम करते हो कि हमको इज्जत नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते. भैया जब इज्जत दी तब खोई क्यों, मत खोना था ना, फिर उतना काइंड रहना था, उतना अच्छा रहना चाहिए था. तो ये मैक्सिमम लोग करते हैं और जब सामने वाला रियलाइज़ करता है कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो चेंज होता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसको और तंग करते हैं, विच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग. और बददुआएं मिलेगी. और ऐसा एक या दो लोगों के साथ नहीं होता है, कितनी स्टोरीज़ मैं अभी जब मेरे सोलो ट्रिप पे भी आई हूँ तो मेरे को दो लोग तो मिल गए जिन्होंने अपनी स्टोरीज बताई, उनके साथ भी यही हुआ था. तो विच इज़ आई मीन इनह्यूमन काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट फॉर पीपल गिव टू अदर्स एंड विच यू शुड नॉट बी डूइंग. जितना अच्छा रहोगे ना उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा. So mark my words and behave good to everyone around you and be a kind and gentle human being.